फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार सियासी घटनाक्रम पल पल पर बदलता हुआ। जयपुर से बड़ी खबर, 3 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। ओम प्रकाश हुड़ला, खुशबीर सिंह और साथ ही सुरेश टांग सीएमआर पहुंचे हैं। तीनों निर्दलीय विधायक सीएम गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही तर्क उनकी ओर से भी रखा जाएगा कि किसी कार्यवश बाहर थे, लेकिन साथ में ही हम हैं। तीनों निर्दलीय विधायक फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओम प्रकाश हुड़ला, खुशबीर सिंह और साथ ही सुरेश टांग सीएमआर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। चलिए, और अधिक बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? 3 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं, मुलाकात हो रही है, क्या अंदर खाने जानकारी फिलहाल? मनीषा, अपडेट यही है कि तीनों जो निर्दलीय विधायक है वो पिछले एक महीने से इस पूरे सियासी घटनाक्रम से बाहर थे। वो हालांकि उनके कोई बयान सामने नहीं आए थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से वो बिल्कुल अलग थे, यहाँ से राजस्थान से बाहर थे। तो आज वो तीनों विधायक, निर्दलीय विधायक से ओम महुआ से विधायक है ओम प्रकाश हुड़ला, किशनगढ़ से विधायक है सुरेश टांग और मारवाड़ जंक्शन से विधायक है खुशवीर सिंह जोजावर, वो तीनों विधायक राजस्थान से बाहर थे, इस पूरे घटनाक्रम से आउट थे। तो अब वो जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए सीएमआर पहुंचे हैं। देखिए, सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति आस्था प्रकट करेंगे। बातचीत यही होगी कि हम किसी कारणवश सफाई पेश अपनी करेंगे। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष वो अपनी आस्था प्रकट करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तीनों विधायकों को कुछ इनपुट एसीबी को मिले थे रिकॉर्डिंग्स में, कुछ फंड तो कुछ खान आवंटन का जो मामला था उसमें इन तीनों विधायकों के कुछ इनपुट एसीबी को मिले थे और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी एसीबी में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज इनकी मुलाकात हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम का तो प्रदर्शन हो गया, तब ये विधायक आज पहुंचे हैं। देखिए, सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था, जो राजस्थान से बाहर भागे विधायक थे उनके आने का। तो कल कांग्रेस के विधायक हैं भंवर लाल शर्मा, वो जयपुर पहुंच गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उन्होंने जयपुर पहुंचकर मुलाकात की। सीएमआर वो आए, उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की, सरकार से को लेकर कुछ नाराजगी थी वो उनकी दूर हो गई। तो वो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही उनके नेता हैं। यही स्थिति इन तीनों निर्दलीय विधायकों की है, ये भी पहले सरकार के साथ थे, राज्यसभा चुनाव में भी इन्होंने सरकार के समर्थन में वोट किया और सरकार के प्रति पहले भी आस्था प्रकट की। और पिछले एक महीने से जिस तरह का सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चला, इस घटनाक्रम से ये तीनों विधायक नदारद थे, यहाँ पर राजस्थान में नहीं थे, लेकिन किसी तरह के बयान भी सामने नहीं आए थे, ना अशोक गहलोत के विरोध में। हालांकि जब ओम प्रकाश हुड़ला से बातचीत होती थी तो भी यही कहते थे कि अशोक गहलोत सम्मान्य नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं आज अब मुलाकात कर रहे हैं तो ये सफाई पेश करेंगे कि हम अपने किसी निजी कारण से बाहर गए हुए थे, उनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ना वो बीजेपी के संपर्क में थे, ना वो बागी गुट में थे। तो लगातार ना इनका कोई इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई पिक्चर सामने आए कि कहाँ पर है, बागी विधायकों के साथ है, कांग्रेस के साथ जो बागी विधायक उनके साथ थे, तो इस तरह का कोई इनपुट यहाँ पर नहीं था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से वो अलग थे, ना अशोक गहलोत के साथ थे, ना सचिन पायलट के साथ थे। तो अब ये सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं और ये सफाई पेश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी कारणवश अपने पारिवारिक कारण से राजस्थान से बाहर थे, लेकिन वो सरकार के साथ हैं, पहले भी सरकार के साथ रहे और सरकार के स्थायित्व के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। जी दिनेश, देखिए, इन निर्दलीय विधायकों की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो बागी विधायक हैं उनकी बात कर लीजिए, सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से मुख्यमंत्री का भी था, लेकिन अब जिस तरीके से देखिए, एक दिन पहले विधायक दल की बैठक हुई और उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि आलाकमान से पैरवी नहीं की जाएगी वापसी के लिए, ठीक है, लेकिन अब क्या रुख उनका देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, अब वापसी भी हो रही है और लगातार सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ उठापटक भी यहाँ पर नजर आई। देखिए मनीषा, एक लाइन की बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक में भी कह चुके हैं कि आलाकमान का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, सभी को स्वीकार्य होगा। और वही बात है कि जब बागी जो विधायक हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में जो विधायक थे उनकी कल आलाकमान से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई,
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि पहले कह चुके हैं, उन्हें इस बात का इशारा था, उन्हें मालूम था, हालाकमान से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी कि पार्टी में वो आएंगे, पार्टी के साथ हैं, किसी तरह के पार्टी के खिलाफ उनकी बयानबाजी नहीं आई। और कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो लगातार संपर्क में थी सचिन पायलट के। तो कल जब बातचीत हुई, हालांकि दो दिन पहले जब विधायक दल की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की ओर से ये मांग उठाई गई थी कि अब बागियों के वापसी के रास्ते पूरी तरह से बंद किए जाएं, आलाकमान के सामने उनकी पैरवी नहीं की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब विधायकों को संबोधित किया तो एक बात कही थी कि अगर कई बार राजनीति में ऐसे होता है कि जब कड़े फैसले होते हैं तो उन्हें अपने छाती पर पत्थर रखकर भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इशारा उन्होंने विधायकों को दे दिया था कि हो सकता है कि आलाकमान उनको वापसी के लिए मौका दे। और कल जब बातचीत हुई, निर्णय वही हुआ कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन वो पार्टी और सरकार के साथ रहे। तो वो जी सचिन पायलट गुट के विधायकों की ओर से भी ये पूरी नाराजगी है वो दूर हो गई, और उसके बाद उन्होंने वापस जयपुर आने का निर्णय लिया। आलाकमान के समक्ष उन्होंने कल बातचीत रखी। तो हालांकि अशोक गहलोत पहले से ही कहते रहे हैं कि जब वो अगर लौटते हैं तो उनका मैं पूरी तरह से गले लगाऊंगा। और बिल्कुल कल जब आलाकमान ने निर्णय लिया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कहते रहे हैं, और अब ये बात कि आलाकमान का निर्णय ही सर्वोपरि है। आलाकमान की ओर से पिछले कुछ दिनों से इस बात के लिए भी पाबंद किया गया था, और जिस तरह की हमें जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तमाम विधायक और मंत्रियों को इस बात के लिए निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की बयानबाजी विधायकों को लेकर नहीं करें जो किसी न किसी कारण से बाहर थे। यही बीजेपी को, विपक्ष को मौका ना दे कि पार्टी में गुटबाजी की बात सामने आए, कोई बात हो फ्लोर पर जाए, सब एकजुट रहे। देखिए 14 से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बनानी होगी। तो तमाम जो विधायक हैं, हालांकि कुछ गिले शिकवे इस पूरे प्रकरण में विधायकों के बीच आए, तो इस तमाम इन गिले शिकवों को दूर किया जाएगा। विधायक दल की जब बैठक होगी तो विधायकों को एकजुट रखा जाएगा, और फ्लोर पर जाने की रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल विधायक दल की बैठक का समय तय नहीं है कि ये बैठक कब होगी। आज दिल्ली से भी विधायक लौटे आएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी का भी आज जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। वहां पर इनके समर्थित जो विधायक हैं कांग्रेस के और उनके समर्थित विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं अविनाश पांडे हो, रणदीप सुरजेवाला, तमाम वहां पर हैं। तो वहां पर बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक होगी, और फिर कल माना जा रहा है कि कल इन विधायकों को वापस जयपुर लाया जाएगा, और यहां पर विधायकों दल की जो बैठक होगी, इस बैठक में फ्लोर की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में है। देखिए जैसलमेर जाने का कार्यक्रम था, पहले गया 10 बजे का तय था कि 10 बजे जैसलमेर के लिए रवाना होंगे, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं इनके आने का कार्यक्रम तय हुआ। सरकार के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं, सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसके बाद कई जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, राजेंद्र यादव है, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा है, वो भी सीएमआर पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ ही ये भी चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, सांसद धारीवाल, वो भी जैसलमेर जाएंगे, और तमाम विधायकों से वहां पर बातचीत होगी, उसके बाद जी दिनेश, देखिए सुलह का जो फॉर्मूला था यहाँ पर वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है, और अब सचिन पायलट